चार गुने दो गुने पे लड़ने की जरूरत नहीं है, उससे वैल्यू रख लो फिर कोर्ट में डाल दो केस, जब तक विस्थापन नहीं होगा जब तक जमीन आपसे छीनना चाहती है, ये आपके पूर्वजों की जमीन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान, सतीश शर्मा जाफरावादी के साथ। जेवर एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण की अपडेट है। पहले चरण में काम चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है, दूसरे चरण में मुआवजा बांटा जा रहा है और तीसरे और चौथे चरण में ऐसा ये सर्वे चल रहा है। तीसरे और चौथे चरण की प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण की और विस्थापन की एक साथ चल रही है, लेकिन गांव में विरोध हो रहा है। कुछ गांव में लोग विरोध कर रहे हैं, किसान अपने विस्थापन का विरोध कर रहे हैं। नीम का खासपुर गांव में कई पंचायतें हो चुकी हैं, किस तरह से गांव के लोग लामबंद हो रहे हैं और क्या रणनीति बना रहे हैं, आइए देखें और सुने पूरी रिपोर्ट जागो हिंदुस्तान। जेवर एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण का यह गांव नीम का है। इस नीम का गांव में कई बार पंचायतें हो चुकी हैं, किसान अपने विस्थापन का विरोध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं किसान पंचायत में, आइए आप भी सुने। आसपास के एरिया में कहीं तो कंपनी आएंगी, अभी जो काम चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, हमारे पुरखे जीते हैं इस जमीन पे, सभी की गुजर बसर होती रही है। तो जब ये जमीन इतना दे देती है कि आपके पूर्वजों की गुजर बसर हो गई, आपकी हो गई, तो आपके आने वाली पीढ़ियों की नहीं होगी क्या? जरूर होगी। ये जमीन उतना दे देती है, सरकार ये जमीन आपसे छीनना चाहती है। सरकार षड्यंत्र करके, प्राधिकरण षड्यंत्र करके आपसे सारी चीजें छीनना चाहता है। ये ऐसे प्रोजेक्ट दूर दराज इलाकों में क्यों नहीं ले जाते, शहरों के पास में बसेंगे क्यों? यहाँ पे बड़े पैसा वाले लोग यहाँ आ सकते हैं, वो दूर दराज के इलाकों में नहीं जाएंगे। तो हमें अहिंसा के साथ में लड़ाई लड़नी है, कोर्ट कचहरी जो भी रास्ते खुले हुए हैं, जहां जहां हम लड़ सकते हैं हर जगह पे लड़ेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम सबसे सहयोग मांगे, जितना हमारे से बन पड़ेगा हर जगह पे हम तैयार हैं लड़ने के लिए। कोई चार गुने दो गुने पे लड़ने की जरूरत नहीं है, उससे वैल्यू रख लो फिर कोर्ट में डाल दो केस, जब तक विस्थापन नहीं होगा जब तक निर्णय नहीं हो जाएगा। बहुत छोटी सी बात है, जब कमेटी बनाओ तो एक लीगल भी कमेटी बनाओ, जो लोग लीगल तरीका से लड़ेंगे बाकी सामाजिक तरीका से लड़ेंगे। अब ऐसे रोज मीटिंग करेंगे, हम खाजपुर जा रहे हैं, थोड़े जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, वहां जाएंगे, वहां सारे सब मुद्दे मैं भी जा रहा हूं दो तीन बार से, क्या जी लड़की पे लड़ रहे हैं, लड़के पे लड़ रहे हैं, वो बहुत बाज की चीज है, जिन पे भी हम लड़ रहे हैं, फिलहाल लड़ रहे हैं विस्थापन पे, हमें गांव रोको कैसे। और गांव रोकने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका हमारे घर में, लेकिन हम उसके लिए भाग रहे हैं, पूरा कस्तूरी रन्ना भागे से जंगल में, ऐसे भाग रहे हैं सब जगह डर की वजह से। और है हमें भी अपने चार पड़ोसी के पास बैठ जाओ भैया, तो क्या समस्या है, ये है यहां से नाश होना है, सबको पता है, आज तक जिसका विस्थापन हो गया उसका नाश हुआ है। कि काई ने चाहे 10 गुनों ले जाओ चाहे 20 गुनों ले जाओ, कोई चैन की नींद ना सो रो, पिछले किसी भी गाँव की उठा लो, तो विस्थापन तो किसी भी कीमत पे ना हो। बच्चे को कैसे, बच्चे को ऐसे का पांव पकड़ो, पड़ोसी को पकड़ो, पूरे गांव इकट्ठा करो, सबसे आसान है। हम गांव के ही तो लोग हैं, सब हमारे चाचा ताऊ भैया, कोई काई बात पे ना राज है, कोई सबको एक साथ बैठाओ, एक मंच पे लाओ, अलग अलग बैठाओ, हर मोहल्ले में अलग अलग मीटिंग करो, दोस्तों। लगातार हम आपको जेवर एयरपोर्ट, यमुना विकास प्राधिकरण और एनसीआर के डेवलपमेंट की खबरें दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और दोस्तों इस वीडियो का लिंक भी अपने साथियों में जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को मिलती रहे निष्पक्ष खबर। खुली पड़ताल, सतीश शर्मा जाफरावादी के साथ जागो हिंदुस्तान, नमस्कार।